जल जीवन मिशन सरकार के उस संकल्प का भी हिस्सा है जिसके तहत स्वराज की शक्ति को गांव के विकास का माध्यम बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद, उनको मैं प्रणाम करता हूं। पानी पाइपलाइन से तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगा के दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की प्रतिबद्धता अब बड़वानी के उन इलाकों में जमीन पर मूर्त रूप ले रही है जो देश के सबसे पिछड़े टॉप 10 इलाकों में शामिल है। जल जीवन मिशन के जरिए दूरस्थ अंचल में बसे फलियों में आदिवासी भाइयों के हर घर तक साफ स्वच्छ जल भेजकर केंद्र और राज्य सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति को साबित कर दिखाया। बड़वानी जिले को खुद प्रधानमंत्री जी ने अपने आकांक्षी जिलों में शामिल किया है। विकास खंड पार्टी का ये भूभाग दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच बसा है। नर्मदा नदी के दक्षिण छोर पर बसा ये जिला आदिवासी बाहुल्य है। ऊंचे नीचे पर्वतों के बीच बसे इस इलाके की खास तरह की खूबसूरती है। आजादी के बाद से ये इलाका उपेक्षित रहा। पीने का पानी के लिए यहाँ के आदिवासी बंधु झीरी खोदकर मीलों दूर से सिर पर उठाकर पानी लाते थे। पानी की किल्लत इनकी नियति बन गई थी। पूरा पूरा दिन इसी कवायद में बीत जाता। पहले हमारे झरकड़ नदी थी, वहाँ पानी ते हम न्यारण 3 बजे रात को उठिन जाता था। ते सिरिस पानी मेनकी माल चेरवी ते नंबर नंबर पानी भरना था। पहले हम पानी के बारे में बहुत परेशान थे। यहाँ से सब माथापुर उठा के वहाँ से समझ ले 1 किलो 1.5 किलोमीटर से लाते थे माथापुर उठा के। पीने का साफ पानी नसीब नहीं होने से आर्थिक तंगी के साथ सेहत भी खराब रहती, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। पानी व्यवस्था सरकार ने घर घर कर दे दो तो आखा बायरा सुरान शांति आई गई। ढोर भी घर पी रिया, पीरिया पारी भी उंगली रिया तो सरकार ने धन्यवाद कर रिया। राम राम। जो नाले से पानी ले आते थे हम तो एकदम से डहला पानी पीते थे तो लोग भाग बहुत बीमार था। अभी हमारा अच्छा नहीं, नल चालू हो गए तो बीमार भी नहीं है लोग भाग न ठीक ठाक रह रहे। नल का पानी अच्छा, बीमार नहीं होते। जल से जीवन की कहावत अब यहाँ हकीकत बन रही है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य है साल 2024 तक हर गांव के हर घर तक नल से जल पहुँचाना। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दिन रात अपने अथक परिश्रम से इस अभियान को क्रियान्वित कर रहा है। ट्यूबवेल, सम्पवेल, टंकी और पाइपलाइन डालकर हर दिन घर घर पानी पहुँचाया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ा और गाड़ी का यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, टू व्हीलर से भी ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, तो पैदल ही ज़्यादा रास्ता कवर करना पड़ा था हमारे मजदूरों को भी। बहुत लोगों ने अपने सामान उठाने के लिए भी कभी जेसीबी से हम लेके ऊपर आते थे, कभी लेबर करें जिनसे ट्रांसपोर्ट करवाया, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। पानी को स्वच्छ बनाने के लिए सिल्वर आयोनाइजर लगाया गया है। स्वच्छ पानी मिलने से स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के नए आयाम खुल रहे हैं। लोगों का जो समय है 3 से 4 बजे उठ के जाना पड़ता था, वो आज जाना नहीं पड़ रहा है। और अभी खेती में भी जो काम कर रहे हैं वो व्यवस्थित सुचारू रूप से खेती कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गई है। बड़वानी जिले में जल जीवन मिशन में लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। महिलाओं को संगठित कर उन्हें मिशन को आगे बढ़ाने और देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है। महिलाओं को ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों से जोड़ा गया है। पानी की जांच के लिए समितियों को बकायदा टेस्टिंग किट भी दिया गया है। पानी को साफ रखने के लिए बकायदा क्लोरिनेशन भी किया जाता है। पानी की शुद्धता की जांच के लिए जिला मुख्यालय पर प्रयोगशाला तैयार की गई है। इस अभियान से महिलाओं को सबसे ज्यादा खुशी मिली है। अब उन्हें कोसों दूर से पानी नहीं लाना पड़ता, साफ सुथरा पानी अब उनके दरवाजे पहुंच रहा है। यही
यही वजह है कि महिलाएं इस अभियान से प्रेरित होकर संसाधनों को सहेजने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। ये टंकी हमारी जवाबदारी है और सब हमारा परिवार की भी, सब गांव वाले की, सब हमारी थी, देखभाल हम करेंगे टंकी। बड़वानी जिले में कुल 290 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। अभी तक 13 योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। इन योजनाओं के जरिए अब तक 23,500 परिवारों में नलों के जरिए पानी पहुंचाया जा चुका है। जिले के कुल 1,17,853 परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। जिले भर में 2,687 शालाओं और 1,294 आंगनवाड़ियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। देख रेख के लिए 393 ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां बनाई गई हैं। समिति से जुड़े 2,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इन्हें फील्ड टेस्ट किट भी प्रदान किया गया है। ग्रामीणों के साथ साथ ये अभियान उनके मवेशियों की भी प्यास बुझाने में मददगार हो रहा है। स्कूलों और आंगनवाड़ियों में भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य मिल रहा है। जिले के कलेक्टर इसकी उजली तस्वीरों से बेहद आशान्वित हैं। इस जिले की ज्योग्राफी बड़ी टफ है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, नदी नाले हैं। पहले लोग गंदा पानी पीते थे और आज जल जीवन मिशन के माध्यम से पूरे जिले में लगभग 300 से अधिक करोड़ के काम चल रहे हैं। हर गांव में नल से जल की व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है कि जल जीवन मिशन ये बड़वानी के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात है और इसके माध्यम से लोगों का जीने का तरीका बदलेगा, उनका समय बचेगा और शुद्ध पानी मिलेगा और वो स्वस्थ भी रहेंगे। यकीनन, जल है तो कल है।